मैं अभी हूँ आगरा में, और आगरा आपको पता है आगरा का पेठा बहुत फेमस है और कई लोग लेके जाते हैं जो भी आगरा आते हैं। तो आज मैं आया हूँ पंछी पेठे वाले के, जो कि आगरा के अंदर बहुत फेमस दुकान है और इनकी काफ़ी सारी दुकानें हैं अलग अलग एरिया में, और मैंने भी इनसे पेठा लिया है। तो सर हैं हमारे साथ में, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अनिल कुमार गोयल है। अनिल कुमार गोयल जी, सर एक बात बताइए कि आगरा में मैं इतना घूमा तो पंछी पेठे वाले के नाम से बहुत सारी शॉप हैं। बात ये है कि करीब 8-10 दुकान तो ओरिजिनल हैं जी, और करीब 1000-1200 दुकानें इस नाम से फर्जी चल रही हैं। तो असली दुकान की पहचान, एक तो हर एक दुकान पर रेड लिस्ट मिलेगी, एक एक आइटम पर रेड लिस्ट होगा, बाहर बोर्ड पे ISO कंपनी 22005 फूड सेफ्टी सर्टिफाइड कंपनी लिखा होगा, पंछी की थैली मिलेगी और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपायरी लिखी होगी, और सब पे हर एक डब्बे पे जहाँ जहाँ ब्रांच है वो सब चीज़। तो अपने शॉप को कितना समय हो गया? इस वाली दुकान को 10 साल हो गए, लेकिन ये कंपनी 1926 की है, जिसके ओनर जो थे उनका नाम सेठ लाला पंछीलाल जी गोयल हुआ करता। अच्छा, अपने पास कौन कौन सी वेरायटी मिलेगी पेठे के अंदर, अब बताएंगे आप? ये सारी वेरायटी इस रेट लिस्ट पे लगी हुई है, जो इस रेट लिस्ट में है वो सारी वेरायटी हमारे पास उपलब्ध। एक बार बताइए ना हमारे व्यूअर्स को। तो हमारे साथ भैया हैं, शॉप पे रहते हैं भैया, क्या नाम है भैया? हिमांशु भैया हैं, जो कि हमें पेठे की वैरायटी के बारे में बताएंगे। ये कौन सी वैरायटी है? ये टोडा पेठा है। ठीक है, वो पेठे को घिसकर बटर में फ्राई करके बनाया जाता है। और ये वाला? ये रसभरी पेठा है, ये इलायची पिस्ता फ्लेवर होता है और अंदर से जूसी होता है। कोकोनट भी है इसके अंदर फ्लेवर के अंदर। पाउडर डाल दिए कि इसके पीस छुपे। ये बड़े कलरफुल वाला पेठा है, तो इसमें तीन तरह के फ्लेवर होते हैं, मैंगो है, केसर। ठीक, तीन तरह के फ्लेवर होते हैं। अगर आपको कोकोनट भी चाहिए तो कोकोनट ये अलग से भी आता है, कोकोनट फ्लेवर। और इनके नॉर्मली ये कितने दिन तक ठीक रहते हैं, ये मतलब खराब नहीं होते हैं? 8-10 दिन तो बाहर रह सकते हो, अगर फ्रिज में रख लिया तो 8-10 दिन पहुँच जाए। अगर मान लो कोई आगरा से कहीं बाहर लेके जा रहा है, जैसे कि मैं अजमेर लेके जा रहा हूँ, तो मैं करीब अभी 2-3 दिन और घूमूंगा, उसके बाद मैं अजमेर जाऊँगा, तो ख़राब तो नहीं होंगे? इसके बारे में बताइए। ये गुलाब लड्डू पेठा है, इसमें गुलकंद और ड्राई फ्रूट भरा होता है और सबसे कम मीठा होता है। ठीक है, और इसमें ये पान पेठा है, पान फ्लेवर होता है, जैसे कि आप खाओ तो आपको ऐसा लगेगा आप मीठा पान खा लो। ये सैंडविच पेठा होता है, ऊपर और नीचे पेठा होता है, बीच में काजू की बर्फी होती है। ठीक है, ये चॉकलेट पेठा है, चॉकलेट फ्लेवर। और आपको ये अंगूरी पेठा चाहिए, ये जूसी होता है, ये रसमी डूबा होता है, और इसमें केसर डाल। ये नॉर्मली हर जगह मिल जाते हैं, अगर हमारी सिटी में मिलते हैं। प्लेन वाला है अंगूरी, ये केसर है ड्राई, ये ड्राई होता है, और ये प्लेन सादा है। अच्छा, टोटल कितनी वेराइटीज है अपने पास? 18 तरह की वेराइटी है। ये इनका कार्ड है दोस्तों, जब भी आप आ रहे हैं आगरा तो इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, नंबर लिखे हुए हैं, कई सारी ब्रांच है इनकी। कौन कौन से मार्केट में ब्रांच है आपकी? सब डिब्बों पे लिखा हुआ है, सदर बाजार है, नौलखा है, धौलपुर हाउस है, नूरी गेट है, मेन शोरूम हमारा नूरी गेट है। अच्छा, बाकी का ये ताजगंज का है, ताजगंज क्रॉसिंग इसको बोलते हैं। और ये कार्ड कार्ड में दोस्तों नंबर दिख रहे हैं, यहाँ आप कॉल करके इनसे एड्रेस वगैरह पूछ सकते हैं और मंगवा भी सकते हैं। अगर मान लो कोई बाहर सिटी में रह रहा हो, मंगाना चाहता, तो उसके लिए आपको हेड ऑफिस कांटेक्ट करना। अच्छा, हेड ऑफिस कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये इनके एड्रेस है, जहाँ जहाँ इनकी ब्रांच है उनके एड्रेस है, आप देख सकते हैं। ये मतलब VIP रोड है, सारे होटल इसी रोड पर हैं, तो इसको ये दुकान कवर करती है। अच्छा, ये ताजगंज वाला ही एरिया है, और ये आप देख सकते हो इनकी जो इनके वेराइटीज़ है वो किस किलो के हिसाब से मिलेंगे, वो सारी डिटेल्स यहाँ इन्होंने दे रखी है। इसके लिए और उसके अलावा नमकीन वगैरह भी है आपके पास? तो नमकीन वगैरह भी आप इनके पास मिल जाएगी। बेसिकली तो पेठे के नाम से, पंचे पेठे के नाम से बहुत फेमस है, बहुत सारी शॉप है। मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि यार ओरिजिनल कौन है, तो मैंने काफ़ी रिसर्च किया, पता किया, तो सदर बाज़ार में पहले इनकी शॉप पे गया था, आज मैं ताजगंज पे इनकी एक और शॉप है वहाँ पे मैं आया हूँ, और यहाँ से मैंने पेठे परचेस किए हैं। तो जब भी आप आगरा आ रहे हैं तो पेठा तो ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि यहाँ की फेमस चीज़ है, तो वो लेके तो आप घर पे जाएंगे तो जो भी आप घूम के आ रहे हो तो वहाँ की यूनिक चीज़ तो घर पे ले जानी पड़ती है, तो मैंने भी इसलिए वो लिया है।
तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हमने फूड ब्लॉगिंग चालू की है अभी, तो आपको कैसी लगेगी ज़रूर हमें बताना। पेटे तो खाने में लाजवाब होंगे, मैंने काफ़ी ज़्यादा ले भी लिए हैं। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।